आज के वीडियो में हम दिखा रहे हैं आपको चमत्कारी दीवार। जी हाँ, ये वास्तव में चमत्कार है कि जोधपुर के महाराजा जब इन रघुनाथ पीर के पर्चे जब सुने और चारों ओर जब ख्याति प्रसिद्ध हुई तो महाराजा स्वयं यहाँ पर रघुनाथ पीर से मिलने के लिए आ रहे थे। तभी का वाकया है कि रघुनाथ पीर जो दीवार की चुनाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने सोचा कि महाराजा जोधपुर से आ सकते हैं तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा उनके सामने जाऊं। तो ये जब एक चमत्कार के स्वरूप ही वहां से दीवार निकालते हुए पूरे जो भीत है ये जिसको चांदा कहते हैं इसके ऊपर ही बैठे हुए यहाँ तक पहुंच गए थे। तभी से लगाकर यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हालांकि कई वर्षों पूर्व में इस दीवार को चुना गया था और ये पुराना वाकया है, इसलिए अब जीर्ण अवस्था में है। यहाँ से आपको पूरा नजारा हम बता रहे हैं। इस चमत्कारी दीवार के बारे में लोगों को क्या मानना है, किस तरीके से राजा महाराजा यहाँ पर इन महाराजा मिलने के लिए आए थे, कितना वर्ष पुराना मामला है? तो 200-300 साल पुराना वही सर। जोधपुर दरबार आया था रघुनाथ पीर जी सौदो काटता था वन टाइम ताड़ो छा ये वटू बाबजी पधारिया जो ये सौदो ने इन वरिया खाता था थे आया नड़ परसो दीदो हमें जमीन है जो कोई बाबजी फजे दीदी है उन्होंने कतरा बीघा जमीन आठ वैरा विशेष बीघा जमीन है तो का दीदी दोन ने। रघुनाथ पीर जी कोई कोई और कोई पर्चा है लोगों की कोई आस्था है? आस्था तो है साथ है बटे आस्था है परसो है ने बटे मंदिर भी परसो है। एक परसो वटे दीदो तो सा नारली बगीसी बोलते हैं खुब्बा वागने वटे परसो दीदो तो रघुनाथ रघुनाथ पीर जगह आज हम मेलो वगैरह कोई वे हमें कोई ऐड आयोजन वे ऐड कोई दिन है वो तो मेलो वे जो को तो पोसम ने वैसा फागण मिनारी पोसम ने वे मेलो। तो आपको रघुनाथ पीर से जुड़े जो स्टोरी जो फैक्ट थे वो हमने बताए कि किस तरीके से लोग मानते हैं और किस तरीके से वो वाकया रहा था कि चमत्कारी दीवार यहाँ तक पहुंची थी। तो दोस्त अब हम आपको ले चलते हैं उस स्थल की ओर जहाँ पर रघुनाथ पीर की धुनी है।